पत्रकारों की बैठक हुई है, कुछ पत्रकारों के मन में कुछ भ्रांतियाँ हैं और वो सोशल मीडिया का नाम लेके पत्रकारों में वर्गीकरण करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी पत्रकार एक दूसरे का सम्मान करते हैं, झज्जर में ऐसी कोई भिन्नता आपस में नहीं है। उसमें ये फैसला हुआ है कि जो बड़े हैं, सीनियर हैं, उनका सभी पत्रकार साथी सम्मान करेंगे और जो बड़े हैं वो छोटों का भी साथ लेके चलने की अपना बड़ा दिल दिखाएं, ऐसी उनसे अपेक्षा की गई है। दूसरा, डीसी साहब से मिले हैं, डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई किसी पत्रकार के साथ भिन्नता नहीं होगी, मतभेद नहीं होगा और भेदभाव भी नहीं होगा। हर रोज़ बैठने का भी रहेगा, भी महीने में एक बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, मिलना हो जाए। प्रशासन ने एक अपेक्षा भी जताई है कि पत्रकार जो है एक आईना का काम करते हैं और आईना जो है वो सही से प्रशासन को, सरकार को दिखाएं, पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो जनता तक पहुंचे, जनता को उसका सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और समस्याएं हैं और किसी प्रकार की अगर जनता की डिमांड है वो भी पत्रकार जो है ना एक सेतु का काम करते हुए प्रशासन तक पहुंचाए ताकि जनता को उन समस्याओं से मुक्ति मिल सके। इसमें नए साथी भी जुड़े हैं। हाँ, कुछ नए पत्रकार साथी झज्जर प्रेस क्लब में संजीत खन्ना जी जिसके प्रधान हैं वो जोड़े गए हैं। किसी प्रकार की भिन्नता नहीं, गुट हर शहर में है, हर जिले में है, इस प्रकार की कोई पत्रकारों में ना भिन्नता है। वो हमारे सभी साथी, पत्रकार संघ है वो भी हमारे साथियों का है। कुछ लोगों में भिन्नता हो सकती है लेकिन मतभेद नहीं है, सभी एक है, सभी मिलके चलेंगे। झज्जर के विकास के लिए हम काम करेंगे, अपने भारत देश को विश्वगुरु बनाने के लिए हम सब प्रयासरत हैं। जो एक मीटिंग हुई है, नए साथी जुड़े हैं, डीसी साहब से मिले हैं। देखिए, आज एक बैठक हुई थी मीडिया सेंटर में प्रेस क्लब झज्जर की तरफ से, कई साथी उसमें जोड़े हैं, आप सब उसमें शामिल हैं। दूसरा, जो साथी प्रेस क्लब के सदस्य अब नहीं हैं और किसी दूसरे संगठन से जुड़ गए हैं, उनमें मुख्य पद उन्होंने प्राप्त कर लिया, साथ ही साथ बार में भी उनका नाम चल रहा है, जो झज्जर बार एसोसिएशन है उसमें भी अधिवक्ता का नाम, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, उनकी सदस्यता रद्द की है, उनको प्रेस क्लब से निष्कासित किया गया है। इसके साथ कुछ भ्रांतियाँ थी जो जिला उपायुक्त महोदय से मिलकर दूर हो गई हैं, क्योंकि ये सूचना थी कि पिछले दिनों हमारे कुछ साथी मिले थे, ये था कि जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं या यूट्यूबर हैं या किसी अखबार को चलाते हैं उनको कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाएगा, डीसी साहब की तरफ से आदेश दिए गए। लेकिन डीसी साहब ने ये स्पष्ट कर दिया कि मैंने इस तरह के कोई आदेश नहीं दिए, मेरे लिए सभी पत्रकार एक हैं और मैं जो विभागीय अधिकारी है उनसे भी कहूँगा कि मेरी तरफ से कोई ऐसे आदेश नहीं है, सबको समान दर्जा उनकी तरफ से देने की बात की गई और सबको एक साथ मिलकर ले जाने की उन्होंने बात की है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ़ है, अगर कोई पत्रकार साथी चाहे मैं खुद क्यों ना हो अगर गलत करता है तो हम उसके खिलाफ़ नहीं हैं, उसके खिलाफ़ हैं। लेकिन अगर कोई सही है, अपना काम चला रहा है, अपना काम कर रहा है, जैसे अपनी खबरें बना रहा है, तो उसको इस तरह से अन्यथा ना लेकर, अगर गलत है तो उसको समझाए बुझाए, एक वर्कशॉप लगाए, बड़ों का ये काम होता है कि वर्कशॉप लगाकर उन सभी को समझाएं कि आप पत्रकारिता की जो गरिमा है उसको बनाए रखें। अब जब तक चैन सिंह जी को मेरी ज़रूरत थी मुझे ये पत्रकार मानते थे, अब जैसे इनकी ज़रूरत ख़त्म होगी इन्होंने मुझे पत्रकार मानना बंद कर दिया। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए, अगर कहीं कुछ चीज़ें गलत हैं तो उनको सामने लाए कि ये गलत है। हम यूट्यूबर, सोशल वर्कर, चाहे वो किसी बड़े चैनल का, अगर वो भी गलत कर रहा है हम चीज़ के खिलाफ हैं, उसके पक्षधर बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब तक स्वार्थ है, जब तक वो मेरे साथ है तो ठीक है, और मेरे साथ नहीं है तो मैं उसका विरोध करूँगा, ये कहीं ना कहीं गलत है। आप बैठें, बातचीत करें, सभी साथियों को साथ में लें, ये चीज़ गलत है, उसका कहीं ना कहीं विरोध हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि अपने स्वार्थ में किसी भी साथी को कुछ भी बोल दे। और दूसरी बात ये है कि डीसी साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हमारे लिए सभी पत्रकार साथी एक है, किसी से हमारा कोई मतभेद नहीं है। अगर कोई सूचना का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, या भविष्य में उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी साथियों को सूचनाएं दी जाएंगी, ये चीज़ उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी है। और ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे साथियों गलतफहमी है कि जो हम इस बड़े चैनल से जुड़े हैं, हम इस बड़े अखबार से जुड़े हैं, ये जितने भी साथी हैं सब बड़े चैनलों में भी काम करके जा चुके हैं, बड़े अखबारों में काम, मनमोहन जी पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं, हरी भूमि के ब्यूरो चीफ रहे, पंजाब के सिरे में किया, और ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे साथियों गलतफहमियाँ ये कि जो हम इस बड़े चैनल से जुड़े हैं, हम इस बड़े अखबार से जुड़े हैं, ये जितने भी साथी हैं सब बड़े चैनलों में भी काम करके जा चुके हैं, बड़े अखबारों में काम, मनमोहन जी पिछले
20 सालों से काम कर रहे हैं, हरी भूमि के ब्यूरो चीफ रहे, पंजाब के सिर में किया और एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। आज वो अपना जो है एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं जो सोशल खुद का न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर है, झज्जर अभी तक के नाम से अपना अखबार चला रहे। कौन नहीं जानता मनमोहन जी को, लेकिन ये है कि भ्रांतियाँ फैला दी गई मनमोहन जी अब इसमें है या संजीत इसमें या चैन सुख, ये चीज़ें नहीं है। वो सब कुछ छोड़ के अपना खुद का अखबार चला रहे हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं सोचनी चाहिए। चाहे वो हर न्यूज है, चाहे वो सवेरा है या न्यूज अभी तक है या अमरवीर है, कोई भी जो भी चैनल है, वो सब अपना काम कर रहे हैं। हाँ, गलत जो कर रहा है गलत का विरोध करो, लेकिन ये नहीं कि किसी को टारगेट करके उसको बस अपने फ़ायदे के लिए यूज करो, जब तक फ़ायदा ख़त्म होता है उस चीज़ को उसके खिलाफ हो जाओ। ये कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बड़े हो, बड़ों की तरह रहो, वर्कशॉप लगाओ, समझाओ बुझाओ, आपस में सबसे बैठ के बात करो, लेकिन आपस में एक दूसरे की तोहिन करके एक दूसरे का मान सम्मान कम ना करें, ये मैं उम्मीद करता हूँ।